आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को स्वस्थ रखना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आधुनिक युग में खराब जीवन शैली के कारण हम सब अस्वस्थ रहने लगे हैं। इन सब के कारण हमें कई बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। अनेक प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए हमें खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यदि अपने प्रतिदिन के जीवन में हम कुछ बातों का ख्याल रखें तो ऐसे में हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए एक हेल्दी जीवन शैली का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। शरीर को फिट रखने के लिए आप कौन से आसान टिप्स फॉलो कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर आप फिट रहना चाहते हैं या वजन कम करना चाहते हैं तो एक हेल्दी नाश्ते का सेवन करें। कई बार लोग वजन घटाने के चक्कर में नाश्ते को स्किप कर देते हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हमें सुबह का नाश्ता ज़रूर लेना चाहिए, ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। नाश्ता आपके शरीर को सुबह कसरत करने के लिए भी ऊर्जा देता है और दोपहर के भोजन तक आपका पेट भरा रखता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। प्रतिदिन अनुशासन से भरपूर दिनचर्या का पालन करने से ना सिर्फ हम स्वस्थ रहते हैं बल्कि हम प्रसन्नता का भी अनुभव करते हैं। रोजाना कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। ठीक से ना सोने के कारण आप मानसिक तनाव महसूस करते हैं। नींद आपके शरीर के हर सिस्टम को रेगुलेट करने में मदद करती है ताकि ये ठीक से काम कर सके। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त जल का सेवन करना चाहिए। ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीते हैं। स्वास्थ्य के नज़रिए से यदि देखा जाए तो ये आदत सही नहीं है। सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए बल्कि चाय पीने से पूर्व खाली पेट गुनगुने पानी का सेवन करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा हमें पूरे दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए ये व्यक्ति के उम्र तथा लिंग पर निर्भर करता है। पर्याप्त जल पीने से हमारे शरीर में जल की आपूर्ति होती है और साथ ही विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसके अलावा फिट रहने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिट रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, आप घर पर ही वर्कआउट रूटीन बना सकते हैं। एक्सरसाइज करने से अतिरिक्त कैलोरी को कम करने में मदद मिलती है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। हमें प्रतिदिन कम से कम 30 से 40 मिनट जरूर व्यायाम करना चाहिए। शुरुआती दिनों में आप 2 से 3 मिनट भी व्यायाम कर सकते हैं। इसके अलावा रोज़ाना एक संतुलित आहार का सेवन करें। ये बात तो आप भी मानते होंगे कि हमारे खान पान का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि हम तली भुनी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक तथा जंक फूड इत्यादि का सेवन करते हैं तो ऐसे में हमारे शरीर में वसा बढ़ने लगती है। ये चीज़ें ना हमें सिर्फ मोटा करती हैं बल्कि हमें कई बीमारियों से भी ग्रसित कर देती हैं। इसी तरह यदि हम अपने आहार में हरी सब्जियां, मछली, अंडे, फल, दूध इत्यादि चीज़ों को शामिल करते हैं तो इनका सेवन करने से ना सिर्फ हम फिट रहते हैं बल्कि बीमारियों से भी दूर रहते हैं। ओके थैंक यू फ्रेंड, ये थी हमारे द्वारा दी गई कुछ जानकारी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई या आपको इससे थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हेल्थ से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी